फ्रेंड्स, एसजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार नीट एग्जाम 2021 कंप्लीट हो चुका है और आपने देखिए, नीट ने इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दो फेज बताए थे। पहला फेज था जिसमें आप कंप्लीट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, उसके बाद आपने पेमेंट किया और एडमिट कार्ड निकला, आप एग्जाम देकर आ चुके हैं। सेकेंड फेज जो उन्होंने बताया था, उसमें आपको नीट एग्जाम के कुछ दिन बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भरना था। अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लोग नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा। आप नीट एग्जाम के थ्रू जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस मिलती है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BHMS हो, आयुर्वेदिक हो, कोई सी भी हो, उस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, यानी आपको MBBS या किसी भी प्रकार की चिकित्सा की जो भी है उसमें आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा नीट के स्कोर के बेसिस पे। यानी आपका एग्जाम दिया हुआ कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेकंड फेज के जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, इनका लिंक कब आएगा। तो देखिए, ये NTA के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। NTA ने जब जनरल इंट्रोडक्शन दिया था अपना, जो उन्होंने अपनी बुकलेट दी थी, उसमें साफ साफ उन्होंने बताया था कि नीट एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, उसके जस्ट पहले आपके लिए एक लिंक स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुछ दिन वो लिंक रहेगा, उसके थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से कंप्लीट करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी डिटेल आपको उसमें भरनी है। सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ और किस तरीके से भरनी है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है नीट UG 2021 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके टू पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट फेज आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड फेज आपको देखिए यहाँ पर दिख रखा है, द फर्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू फील्ड अब बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड फेज देखिए, द सेकंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट डाउनलोडिंग ऑफ स्कोर कार्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट वुड नोटिफाइड सेपरेटेड थ्रू द नीट UG पोर्टल इन ड्यू कोर्स। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पर जो सब 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 जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, जो भी आपके पास आपको क्या क्या भरना है ये आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीट 2021 में जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास, नोटिफाई कंफर्म एनी राइट द कैंडिडेट ऑफ एडमिशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स द सिलेक्शन एंड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स सीट इन एनी मेडिकल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑफ ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रैंक इन द मेरिट लिस्ट मेडिकल फिटनेस। ये सारी चीज़ें कॉलेज के द्वारा निर्धारित की जाती है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर साफ साफ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे लिखे हुए हैं कि जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट नहीं करता है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो NTA के द्वारा जो एग्ज़ाम है उसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर दी हुई है, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपको सेकंड फेज का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है तो ये वाली साइट है, इस पर एक दो दिन में लिंक आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट सेकंड में आपको क्या क्या करना है। तो ये देखिए, सारे कॉलम्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको इस तरह सारी चीज़ें भर देनी है इसमें। देखिए, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको गर्ल कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या ऐसा कोई ID प्रूफ जो आपको ये बताता हो कि ये गर्ल्स है, ठीक है। उसके बाद आपको रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, रिलीजन कौन सा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑफलाइन, जो भी है, पास स्टेटस आपको लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको जो भी ये स्टेटस है ये आपको 10th क्लास का देना है। इसमें सारी चीज़ें आपको, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको 11th क्लास की बतानी होगी और आपको 12th क्लास की बतानी होगी, ठीक है। 11th और 12th की सारी चीज़ें आपको बतानी है, 10th क्लास की बतानी है। और उसके बाद है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आपको पहले से ऑफ बर्थ बताना है, आपका जन्म स्थान, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद देखिए, नीचे वाली प्रोफेस पेरेंट्स इनकम डिटेल्स है, तो इसमें आपको फादर की क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम, मदर की क्वालिफिकेशन, इनकम, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट और 10th क्लास की और एक ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी गई है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको वही अपलोड करनी है।
आप देख चुके हैं कौन कौन सी चीज आपको भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, ये सारी चीजें किस तरीके से भरनी है, वो सारी चीजें आप देख चुके हैं। नीट एग्जाम का रिजल्ट आपका आए, आपको कॉलेज मिले, इसके लिए आपको ये डिटेल्स कंप्लीट भरनी होगी। और कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिए और किस तरह से भरना है, इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर ले आऊंगा। आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है, जैसे ही डिटेल आती है, आप लोगों को जैसे लिंक आता है, आप लोगों को अपनी डिटेल कंप्लीट कर देनी है।